हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक मंथ पहले जो मूली का बोने का तरीका और मूली की खेती कैसी की जाती है इसके वीडियो बनाया था। और दोस्तों, एक महीने बाद हमारा ये प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग मूली का शुरू हो गया है और इसे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो भाइयों, आपको पता होगा कि मूली की हार्वेस्टिंग करने के बाद कम से कम 40 दिन के बाद, सॉरी, बुआई करने के बाद 40 दिन के बाद या 30 दिन के बाद आप हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है फसल। तो हमारी फसल दोस्तों कम्प्लीटली हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है और बहुत ही खुशी की बात है कि अगर मेहनत किसी क्षेत्र में की जाती है तो वहाँ पर अगर प्रॉफिट या लाभ प्राप्त होता है तो बहुत ही खुशी की बात होती है। और यहाँ पर सक्सेसफुली हमारी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई। हालाँकि आपको बता रहे हैं जो आगे वाली एरिया है वहाँ पर थोड़ी सी फसल हमारी ख़राब हो गई थी, लेकिन फिलहाल स्प्रे किया गया दवा। और इसके बारे में आपको, दवा के बारे में भी हमने बताया था कि इसको, मूली जो होती है बरसात की मूली, हरी भरी रखना और इसे बचा पाना कीटों से, और जो आपका सड़ुआ सबसे ज़्यादा होता है सड़ने से बचाने के लिए जो दवाइयों का हमने वीडियो बनाया है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक हम सभी डाल देंगे। और जहाँ से आपको क्या करना है वॉच कर लेना वीडियो को। तो हार्वेस्टिंग करने के काफ़ी प्रोसेस होते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमको सभी कोलियों में एक एक देखना होता है कि कौन सी मूली हार्वेस्टिंग के लिए उपयुक्त है, किसे मतलब हार्वेस्ट करना चाहिए, किसे निकालना चाहिए, किसे मार्केट में डिमांड है, किस साइज की, तो उस हिसाब से हमें क्या करना होता है, फसल को निकालना होता है। तो एक एक कोली में हम क्या करेंगे, सिंपली एक एक कोली में हमको चेक करना है। और चेक करने के बाद जो भी मूली हमें हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है या उपयुक्त है उसे हमको क्या करना है, उखाड़ लेना है। और देख सकते हैं आप, हम यहाँ पर मूली जो है अभी ज़्यादा नहीं है, हालांकि मेरा ज़्यादा ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं है, कुछ ही थोड़ा एरिया फार्म हाउस है और उसी में हम लोग क्या करते हैं काम होता है दोस्तों। तो हार्वेस्टिंग के समय उपयुक्त मूली को हार्वेस्ट किया जाता है और देन क्या करते हैं, हम सभी मूलियों को इकट्ठा कर लेते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम इसे तैयार करते हैं दोस्तों। मूलियों को इकट्ठा करने के बाद हम क्या करते हैं, इनको ले जाना होता है एक अपने सुरक्षित स्थान पर कि यहाँ अधिक धूप में न रखा जाए, क्योंकि ये जो होती हैं बहुत ही नाजुक होती हैं, अगर अधिक धूप होने पर सूखने लगती हैं। और आपको पता होगा बरसात की मूली का रेट भी काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर जो इसकी मार्केट में डिमांड अधिक होती है और इस समय मार्केट में कंपटीशन कम होता है और मार्केट में जो होती है दोस्तों वो बहुत कम होती है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसे एक एक साफ़ करना होता है दोस्तों, मूली के सड़े पत्तों को हटाना होता है। और आपको जो होता है सड़े पत्तों को हटाकर सिर्फ, और जड़ें जो होती हैं उसको भी साफ़ करना होता है। सिर्फ इस समय क्या होता है दोस्तों, जो आपकी लीफ होती है, पत्ते होते हैं, इसके भी डिमांड मार्केट में होती है दोस्तों, इसकी भी सब्जी लोग बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो सड़े ही पत्ते हटाने हैं, उसके बाद आपके जितने भी हरे पत्ते हैं ये आसानी से मार्केट में डिमांड है इसकी और आसानी से इसे लोग परचेज कर लेते हैं। तो दोस्तों इससे हमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है कि अधिक पत्ते हैं तो मूली का जो मार्केटिंग है वो नहीं होगा। देन इसके बाद दोस्तों हम इसके क्लीनिंग अर्थात धोने के लिए तैयार हो जाती है मूलियाँ और हमें इसे टैंक में या फिर कहीं आप धो सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे टैंक बना हुआ है, ट्यूबवेल का टैंक, और यहीं पर दोस्तों हम लोग इसकी क्या करते हैं, धुलाई करते हैं। और दोस्तों एक एक मूली की धुलाई करने के बाद हम सभी मूलियों को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। मूली की धुलाई करने से देखिए आपको क्या पता होना चाहिए, मूली को आप तुरंत डालें, बरसात की मूली को अधिक समय तक पानी में डुबोकर ना रखें, जिससे आपके लीफ जो है उसमें से कुछ चितकबरा जैसा पड़ जाएगा और आपकी पत्ती अधिक जल्द ही सड़ने के लिए उपयुक्त हो जाएगी। अधिक मूली को घिसे मत, आपको क्लीन कर देना है सिर्फ बस। ओके दोस्तों, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखकर काम करना है। दोस्तों हमारी मूली धो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी कैरेट में या उपयुक्त इस चीज़ में आपको रखना होगा, जिससे आपकी मूली पर अधिक, आपकी लीफ या पत्ते पर अधिक धक्का ना आए और आपके पत्ते टूटने नहीं चाहिए, वरना इस मौसम की जो मूली होती है बरसात की बहुत अधिक टूटती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और भी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर देख लेना। जय हिंद, थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।